हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आपनकर जीएस एजुकेटर प्रभु होप आपन समस्त बढ़िया प्रिपरेशन करथुबे मैक्सिमम प्रिपरेशन करथुबे तो आज मु आपन मानक पई एससी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग सेशन जो हमर अपकमिंग एग्जाम अछि जो हमर बाहरी छि सोइल कंजर्वेशन और जो एक्सटेंशन वर्कर तो तांकर लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखंतु अराउंड 120 क्वेश्चंस आस्क्ड हेतला एग्जाम रे सेथरु 50 थिला आपणकर जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग छोटा कि सार आपणकर डिस्कशन करिसेंती आ 70 अराउंड क्वेश्चंस थिला आपणकर जीके रिलेटेड तो आज हम से जीके रिलेटेड क्वेश्चन को सब हम डिस्कशन करिबा मोस्टली आपणकर से माने जनरल साइंस पछाय थिले नो करंट अफेयर्स वाज इंक्लूडेड इन दिस तो बेस्ट आपणकर जेमती कहितली जो माने लुसेंट बुक कवर करिसेंती से माने केते बेनिफिट हेबे आज ये सेशन से माने जानी परिबे आउ एमिति भी क्वेश्चन अछि जोडा का हम ऑलरेडी 100 थरो न 1000 थरो डिस्कशन करि सैलेनी सेही क्वेश्चन गुडी को मध्ये एग्जाम रे आसु छि तो चला तो लेट न करी स्टार्ट करिबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द साइंटिस्ट कनेक्टेड विथ द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे आपनकर आसी गला इनोवेशन एंड डिस्कवरी पार्ट एक्सरे को किए डिस्कवर करिसेंती मते लागुनी आपन को कहिवार छि एटा आपन माने मध्ये पूरा पानी करि सारिबेनी W.K. Röntgen बा आपनकर जो Röntgen आइंस्टाइन आपनकर E=mc² अच्छा कंफ्यूज हेबेनी आइंस्टाइन नोबेल पाइथले नॉट फॉर E=mc² बट फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी फाराडे तो इलेक्ट्रिसिटी रो फादर को आ जाय आर्कमिडिस प्रिंसिपल सब जानचो ना जो बोयन्स विषय रे कहे बढ़िया गप जो मुकुट नैथले राजांगर पानी अपसारित होइगला तापर एडु कहले ना खाद अछि सब सुनिथिबे गप आर्कमिडिस प्रिंसिपल जॉन डाल्टन को ना अनुसार तो एटा आपनकर साइंस एंड डिस्कवरी रो फर्स्ट क्वेश्चन आसीला सेकंड क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक तो आपन जानिथिबे जुगांतकारी बुक लिखिथिले माइक्रोग्राफिया जोटा कि आपनकर फर्स्ट बुक भी कुआ जाय आपनकर बायोलॉजी रिलेटेड सेल रो डिस्कवरी आपनकर एटा आउचंती नूल एंड रस्का इज द राइट आंसर अरिस्टोटल सब जानिछंती अरिस्टोटल की अलेक्जेंडर द ग्रेट कर कोन संपर्क करथिले सेटा भी आपन जानिछंती न्यूटन शताब्दी रो साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम अवार्ड को आ जाय बहुत किछि डिस्कवरी अछि ग्रेविटेशन टू आरंभ करकी न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स बहुत किछि से डिस्कवर करछंती नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा व्हाट डज द इलेक्ट्रिकल साइन रिप्रेजेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो मु समस्त को रिकमेंडेड करू छी जति कि आपन को इलेक्ट्रिसिटी रो साइन अछि क्लास 8 रे मध्ये आपन पढ़ी छंती किछि एटा बड़ कथा नो से बुक्स रे आपन देखिबे से गुडी का टिके प्रैक्टिस कर दियंतु ना देखिबे आपन बहुत बेनिफिटेड हेबे मु एमति कि आलोचना मध्ये करि छी इलेक्ट्रिक बल्ब आपन एमति एमएमटी थाय एक्चुअली मु करिबो नेटा एमिटर आपनकर ए लिखाइ दिबो एमटी एमिटर थिबो कनेक्टेड वायर एटा आपनकर ओपन से स्विच राशि बतळे ए जगह आपनकर वायर अप डाउन हेते स्विच ऑन होची आपनकर एटा जो कहली वर्तमान स्विच ऑन ऑफ र कनेक्टेड वायर आपनकर एमटी थाय धरत एपटे अछि ना जदि आ ऊपर से जाइथिबो एमटी करके एमटी आनथिबे कनेक्टेड वायर रो सेटा सिंबल एटा आउछ कोन एटा अर्थ से जॉइंट करिनी कोन ए जो मीनिंग आपण बुझिले एटा आउछ से जॉइंट करि नाही रेजिस्टेंस से भी एमती जाय कि आर थिबो रेजिस्टेंस थिबो बा नले एमती करि एमती आपण कर देखिबे थिबो सेटा को रेजिस्टेंस मध्ये कहंती तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा राइट आंसर होची स्विच ऑन whose refractive index is the maximum kahara refractive index asile apankar laws of refraction snell's law jota apankar refractive incident re apankar jo asuchi snell's law sab janithibe epodu jo rate asuchi apankar tapre jota incident re reflected le au kon jo perpendicular jo lambo eta kon sab gote सरल रेखारे रहिबे बा समस्त समस्त प्रति जो 90 डिग्री करन सेटा आपण स्नेल्स लॉ नेक्स्ट राइट आंसर हबो डायमंड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
which is the type of application procedure in ultrasonography and echocardiography? ना पढ़े ऐसी लाया पढ़ने करो ultrasonography, ultrasound is the right answer. Next question को जीबा, which is a required tool for producing electric current? जो माने हमारे क्लासेस को रेगुलरली करी चंदी से माने सब बुझ जानी थी हम सब बुड़ी का उड़े और डिस्कशन करी च एमीटर आपन कर करंट मापिया पे मोटर कौन एनीमोमीटर कौन डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जेनरेटर एटा भी हमें करी च इलेक्ट्रिक करंट राइट आंसर एटी इज ऑप्शन नंबर 2 मोटर कौन जोटा कि आपन कर इलेक्ट्रिसिटी रो मैकेनिकल सिटी को कौन सॉरी इलेक्ट्रिसिटी रो मैकेनिकल जो कन्वर्ट करे सेटा को आपन कर मोटर को जाय It is the difference between motor and generator. बारंबार आमे question को discussion करी छे. Galvanometer मतलब लागू नहीं आपन अगर sound कौन galvanometer कौन वो सब उड़ी का discussion करी छी. तो जो दी किसी problem होगा मतलब पहचानी में आउटर आपको discussion करी भी. अपन next question थी ला actually इट के मैंने दी टा page रखी ला cut paste रे problem है लावली मुझे आपन को एक question लग दी छी. Which planet is nearest to sun in terms of distance? छोटा पिला भी कोई देवे केतटी अछंती नौटा ग्रह ना अटेडा कोन पई प्लूटो आपन कर होची ड्वार्फ प्लैनेट अच्छा मु गोड़े बहुत इंटरेस्टिंग सेशन एई मंथ रे नै आसीबी आपन कर जियोग्राफी जो आपन कर ओडिसा सिविल सर्विस जो आपन कर अपकमिंग आसीबो ओएएस तार प्रीलिम्स आ मेंस पई की जियोग्राफी मध्ये मु स्टार्ट करबी बहुत जल्दी हमें स्टार्ट करबा देखिबे आपन गोटे भी क्वेश्चन सेतरो बाहर पाइबेनी पूरा डेप्थ एनालिसिस करबा चैप्टर वाइज पढिबा काहे की ड्वार्फ प्लैनेट पूरा तार रीजन आमे जानिबा कोन तार ऑर्बिट जो हाईली इंसेंट्रिक सेति पई ताको ड्वार्फ प्लैनेट कह जाय कोन से हाईली इंसेंट्रिक सब गुडी का हम डिस्कशन करबा तो सन परे आपन कर आसंती के 8टी ग्रह आसीले फर्स्ट आपन कर आसे एम एम माने मर्क्यूरी अच्छा मर्क्यूरी रो सन चारि पटे रिवोल्यूशन रो डे होजी केते 88 डेज 88 दिन रे मर्क्यूरी रे गोटे वर्ष हे जाय तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए मर्क्यूरी जुपिटर वेनस यूरेनस ये आपन कर आसी गेले जोवियन प्लैनेट बा गैसियस जायंट मध्ये मन को कहा जाय कोन सब हम डिटेल्स रे आलोचना करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु जेनेटिक कैल्विन कैल्विन नो इटा होची केल्विन इटा कैल्विन नो केल्विन स्पेलिंग मिस्टेक अछि केल्विन समस्त जानि छथिं कहार यूनिट आपणकर टेम्परेचर डिस्टेंस रा आपणकर होउची कोन देखंतु ए जो यूनिट मध्ये वैरी करे सब जानिथिबे हम एमकेएस सीजीएस ए दीटा में मेनली नै थाउ आपण आपणकर एपीएस भी अछि फुट पाउंड सेकंड तो से जगह रे आपणकर जो मास रा आपणकर केरे सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट थाय तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट गुड़ी का मध्य मन रखी देबे केल्विन होची आपन कर टेंपरेचर रो या छोड़ा डिग्री सेल्सियस तापरे फारेनहाइट दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ द टेंपरेचर रो यूनिट तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम वन सोलर सेल बढ़िया क्वेश्चन ए क्वेश्चन टी के आपन को लॉजिक बाहर करय के पड़िबो मु आपन को वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा एसएससी रे भी आसी सीजीएल ले आसी सीएचएसएल ले आसी सब अदर एग्जामिनेशन ने आसी एटा ई क्वेश्चन ने मु आपण मान को पछार छी तो आपण माने मते आंसर देला बेले क्वेश्चन नंबर 1 करी कि आरो राइट आंसर कोन मते जणाइबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा ड्यू टू व्हाट फेनोमेनन ऑफ लाइट स्काई क्लियर स्काई लुक्स ब्लू सेटा कोन सेटा हो जे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोन पूरा डेप्थ एनालिसिस करी छे स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन कोण गोटे मीडियम रो अन्य मीडियम को आसीले डिस्पर्शन प्रिज्म रे होय रिफ्लेक्शन सेम मीडियम रे लाइट ओडा सब हमें डिस्कशन करी दै छे VA वोल्ट एम्पियर जोडा क्वेश्चन सेटा काहा रा यूनिट सेटा होची इलेक्ट्रिक पावर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर व्हाट टाइप ऑफ विजन डिफेक्ट ऑकर्स व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ द आई इज डिक्रीज्ड तो फोकल लेंथ जदि आखिरा जदि डिक्रीज्ड हो जाए ताहले आपन को कोन माने जो केउ रोग हिची बोली जाना पड़े देखंतु सेटा कोथि माइपिया माइपिया इज द राइट आंसर
मोर आपन को समस्त को क्वेश्चन गोटेला मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एथि पई केउ केउ लेंस व्यवहार करा जाय कॉन्वेक्स लेंस की कॉनकेव लेंस फर्स्ट क्वेश्चन पचारली तो गोटिया ही कमेंट रे आंसर देबे बारंबार कहू छी बहुत गुडे कमेंट दियंतनी मते देखिला प्रॉब्लम होची गोटे कमेंट सपोज जण को ना आला एक्स वाई जेड सी एक्स वाई जेड गोटे कमेंट पोस्ट करिवो ताते लिखियो 1 2 3 मे जते क्वेश्चन पचाछ मते कहिवो फर्स्ट क्वेश्चन त हम सेल ऊपर पढ़ाइले सेकंड ला आपण कर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया रे हम क्यों क्यों लेंसेस व्यवहार करू नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फॉर व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इट इज यूज्ड एज अ फ्यूज वायर इन एन इलेक्ट्रिक करंट ए क्वेश्चन को मु डिस्कशन मध्य परिचय को इंपोर्टेंट मध्य कहिछे फॉर योर अपकमिंग ओएमसी एग्जामिनेशन बिकॉज़ आर जो मेल्टिंग पॉइंट आपण कर होची सबटु मेन जिंस जते बेले आपण कर इक्विपमेंट रो अधिका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुए तो ये जो फ्यूज टा आपण कर कट है जे तो लाइन आपण कर कोन तो आपण कर जो कंटिन्यू लाइन टा सेटा आपण कर कट है जे तो कट है गेला आपण इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्लो करि पारे नी तो इक्विपमेंट आपण कर रखिया पाई जे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा ए टाइम मध्ये जो दीटा पेज जितला तो एमते क्वेश्चन आनी छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखिबा एटी मु करी छी एटा को मु डिटेल्स मध्ये पढैथिली तो रेनबो हेले रेनबो आपनकर आसीला कोन सूर्य किरण रो आसीला सन एटा आपनकर केउ प्रकार रेनबो एटा भी कहिछि गोटे प्राइमरी रेनबो गोटे सेकेंडरी रेनबो एते डिटेल्स जानतुनी बट खाली आइडिया रखतो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी रेनबो तो रेनबो रे कोनला गोटे मीडियम रो अन्य मीडियम को गले रिफ्रैक्शन एटा हमें जानिछे तो लाइट आपनकर आसीला कोन वैक्यूम रो बा आपनकर एयर मीडियम रो आसीला तापर एंट्री कला कोटी वाटर मीडियम को तो रिफ्रैक्शन हला तापर कोन हो से रिफ्रैक्शन हला पर से लाइट हाउ थरे से वाटर रे आपनकर बाउंस बैक आसीबो तो वाटर आसला माने सेम मीडियम वाटर रोला वाटर को रिफ्लेक्शन हला ताको को आ जाय इंटरनल रिफ्लेक्शन तापर आपनकर आसी कि आउ थरे जेते वाटर रो आपनकर आसीबो बाहर को सेटा को आपनकर आउ थरे जेतु दीटा मीडियम हेगला सेटा हिजबो आपनकर रिफ्रैक्शन या छडा आपनकर डिस्पर्सन मध्य कहि परिबे जेतु आपनकर बाघ निस हलाना आसुची बट राइट आंसर इज रिफ्रैक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो एमिति कोडी नाइ डिस्पर्सन से दे दीची रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन एटा ऑप्शन नंबर सी बेस्ट फिट होची तो ऑप्शन नंबर सी नेबे बट जदी आपनकर ऑप्शन ने थिबो रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एटा को मारिबे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर for this question next question ko jiba from among the following media which the speed of the light is the least ta e manaka matra keu thare speed of the light is least mane rakhantu right answer hochi apanakar kerosene apana eta tike dekhibe kerosene ne sodium madhya budi ki rakhanti eta bi apanaku bujhaitili niya lagi jibara chances thai bahut important kerosene au apanaku gote task mu douchi sabu budi kar apanakar light ra speed kete कहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते कार हीट कंडक्टिविटी कैपेसिटी केते जति की माने सबटु टॉप सबटु लास्ट प्रथम 4 5 टी माने रखंतु अन्य जिंस मन रखबा दरकार नै पूरा चार्ट माने रखंतु देखिबे ए एग्जाम रे मध्ये आस्तला आपनकर अपकमिंग एग्जाम रे मध्ये आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच वन इन द लेबोरेटरी डज द सेम वर्क एज दैट ऑफ ए रेगुलेटर एंड इलेक्ट्रिक फैन तो इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर कोन आपनकर जो स्पीड को बढेबा कमया को सहायता करे तो लैबोरेटरी रे आपनकर सेही काम के करे रियोस्टैट माने रखंतु ऑप्शन नंबर 1 रियोस्टैट इज द राइट आंसर व्हिच इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी थीटा क्वांटिटी अछि गोटेला कोन आपनकर स्केलर गोटेला आपनकर वेक्टर तो स्केलर अ वेक्टर कोन स्केलर होछि जहार ओनली मैग्नीट्यूड थिबो आर बोथ थिबो कोन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एटा हमें समस्त जानि छै एटा प्लस 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स रा कांसेप्ट तो मास मास रो त आपनकर डायरेक्शन नाही इट इज एन स्केलर क्वांटिटी स्पीड स्पीड रे आपनकर डायरेक्शन न थाय त इटा भी आपनकर आसी जीव स्केलर क्वांटिटी वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी पावर स्केलर क्वांटिटी किंतु जेते बेला आपनकर वेलोसिटी आसी गला सेटा आइ जीव आपनकर कोन एयर बोथ मैग्नीट्यूड अछि एंड डायरेक्शन अछि त राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा which of the following is related to mass into velocity ka ko jare bile p eta samajh anchani momentum momentum is equal to mass into velocity acha force force bhi janthibe f is equal to ma mass into acceleration asi jibo
अच्छा एक्सेलरेशन कौन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मन रख डेल वी बाय डेल टी को एक्सेलरेशन कह जाए। तो डेल माने कौन? ये जो डेल जिते बार देखते डेल जो आसो जानवे कौन रेट ऑफ चेंज जो आप डेरिवेटिव जो कहते रेट ऑफ चेंज से रेट ऑफ चेंज माने कौन? रेट ऑफ चेंज को जब आज आपको सिंप्लीफाई रे बुझेबी आफ्टर एग्जामिनेशन ओवर व्हाट इज योर स्कोर एंड व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड बिफोर द एग्जामिनेशन व्हाट वाज योर कॉन्फिडेंस लेवल तार सब्ट्रैक्शन टाकू कह जाए। तो डेल वी माने आपनकर फाइनल वेलोसिटी रु इनिशियल वेलोसिटी रा जो डिफरेंस, डेल टी माने फाइनल टाइम रु इनिशियल वेलोसिटी रा टाइम, टॉर्क भी आपनकर इट इज अ वन काइंड ऑफ फोर्स, वॉल्यूम तो आपनकर आसी गले आसी जीव कोन क्यूब रे एटा आसी जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, राइट आंसर होची सिल्वर। हीट आपनकर आउ कोन आसे कंडक्शन कन्वेंशन रेडिएशन आमे तीनटा को पूरा प्रॉपर्ली पढिचे डेप्थ एनालिसिस करि पढिचे ताको भी मध्ये रिवीजन करबे। एठी आपन गोटे मु चार्ट दे दिछि, चार्ट रे टिके मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट ताको लेखि दियंतु कहार केते आपनकर हीट कैपेसिटी देखिबे। एठी सिल्वर रो आछि 429 इट इज द हाईएस्ट। या छोडा सिल्वर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मध्ये हाईएस्ट काहीकि आम कपर र करू जेहेतु सिल्वर टा एते कॉस्टली अछि तो आम वायर गुड़ी का कपर रे करू। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच पेयर ऑफ एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत थर आम डिस्कशन करनी हजार थर डिस्कशन कर सारे गोटे आपणकर तरल धातु गोटे आपणकर तरल अधातु। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिक्विड मेटल लिक्विड नॉन मेटल तो इतिमध्ये गोटे हूँ मर्क्यूरी गोटे हूँ ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच मेथड इज मोस्टली यूज फॉर द सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। तो क्यों मेथड आपनकर सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस पे यूज है? राइट आंसर होची आपनकर क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टलाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल जेली अच्छा दीटा जिंस आपनको आगुर कहितली एरोसॉल एयर माने आसिला माने सेटा होची एयर माने रखंतु आउडा आपनकर हाइड्रो आइला माने इटा होची कोन वाटर। तो एरोसॉल माने कोन आपनकर एयर रो तो एयर रे ना थोड़ी जेली बने ना फोम बने ना बटर बने ना स्पंज बने तो बने के फॉग। राइट आंसर होची कोन फॉग ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फॉर व्हिच केमिकल रिएक्शन नीड एनर्जी। एमानक मदर केउति पई के आपनकर केमिकल रिएक्शन एनर्जी नीड करे। राइट आंसर होची एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन ता कोन द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट पार्टिकल मस्ट हैव फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू ऑकर। तो मिनिमम जेतकी आपनकर केई बा काइनेटिक एनर्जी दरकार सेटा को आपनकर पछे कोन फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which is used in external radiation therapy for cancer treatment। ek question ko bhi madhe ame discussion kari che jota ki apan chemo jota kandi cobalt 60 option number 4 cobalt 60 is the right answer। next question ko jiba what is called the reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously। ei question ko bhi madhe ame discussion kari che right answer hoch kon redox, redox is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन सीएनजी, सीएनजी एलपीजी फुलपर्मी पकाए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिक्विड फाइव पेट्रोलियम गैस। सीएनजी रे आपनकर मैक्सिमम परसेंटेज को उतरता है जोटा कि आपनर व्हीकल आपन हमर वर्तमान सीएनजी व्हीकल चालू छे। राइट आंसर होचे मीथेन। मीथेन आपनकर आउ को उतरता है गोबर गैस रे अधिका थाए। मॉर्स गैस कहा पते, मॉर्स गैस कहा पते मते कमेंट सेक्शन में बतेबे। एटा आपनकर हेगला कोन 3 नंबर क्वेश्चन फास्ट सेकेंड गोटे कमेंट रे 3 नंबर रे मॉर्स गैस कोन मते बुझेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा व्हिच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर द स्पेक्टेकल्स एज इट अब्सॉर्ब यूवी रे। एडा भी मते हम डिस्कशन करछे क्रूप गेट ग्लास। व्हिच इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। ए माने मते फूड प्रिजर्वेटिव रे केउटा यूज है? एस्पेरेट। एस्पेरेट आपनकर होछि कोन गोटे आर्टिफिशियल स्वीटनर आपनकर जो थंडा पानी करिवारे भी मध्ये यूज करंती मेनली सैचरिन को यूज करंती। दिस इज आल्सो एन आर्टिफिशियल स्वीटनर बट से फूड प्रिजर्वेटिव पचारछ ना। राइट आंसर होछ आपनकर सोडियम बेंजोएट ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर। अच्छा आपन कैप्सूल ले किछि मेडिसिंस नैथिबे छोटा बेले तो देखिबे से कैप्सूल्स गुडी का मध्ये बहुत गुडे सोडियम बेंजोएट रे भी तयार हे जाय।
ଶୁକ୍ରାଲୋଜ୍ ଆଲ୍ଟାମାଇନ୍, ଏଇଟା ଶୁକ୍ରାଲୋ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଲ ନିଅନ୍ତି ନା ଆପଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ସୁଇଟନର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସୁଇଟନର୍, ସାଚାରିନ୍, ଆଲ୍ଟାମିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ମେ ବି ପକେଇ ପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ କେଉଁଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସୁଇଟନର୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଟା ଆପଣ ଷ୍ଟିଭିଆ ମାରିବେ, ଷ୍ଟିଭିଆ ଗଛରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଟନର୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଏ। ହାଉ ମଚ୍ ଲେସ୍ ପିଏଚ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ବହୁ ଥର କହିସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 0 to 7, 14 ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏସିଡିକ୍, ଏ ରେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍। ତ ପଚାରିଲା ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ତାମାନେ 7 ରୁ ଖସିବାର ଥିବ 5.6, ଏଇଟା ଯିଏ ଗବା ଥିବ ସେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ମାରିଦେବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆସିଲା, ତ 0 to 7 ଭିତରେ ତ ରହିବା କଥା ନା, ତ 5.6 ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଏ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ 6 ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନା, ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ବେସେସ୍, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏସିଡିକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 5.6। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରୋପେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 2-3 ଅଛି, କ'ଣ ବି ମୁଁ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଦେଇଛି, ସିଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଛନ୍ତି ନା, 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଆରଟା କ'ଣ ସିଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋପେନ୍ ଆସିଲା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସିଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍। ତ ସିରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଥିଲେ, ଏଚ୍ ଟୁ ହବ କେତେ, 3 × 6 + 2 = 8, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର C3H8। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଡାଇଜେସନ୍। ମେ ବି ମୋ ମତରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ, ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ନା, ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ଆସେ, ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଆନ୍ତି, ୟା ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ରେ ବି ଆସେ। ବଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ରେ ବା ଆମ ଏଜ୍ରେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହୁଛି, ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ କରିବି ଆପଣ ଏଥର ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ରିଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପାରେଟ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଲଗା, ଟର୍ମେରିକ, ଆଚ୍ଛା ଟର୍ମେରିକ ହଳଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀରେ ଥାଏ, ଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ବୋଥ୍ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ। ସକାଳୁ ଯିଏ ଚାମୁଚେ ଚାମୁଚେ ମାନେ ଛୋଟ ଚାମୁଚରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ଗରମ ପାଣିରେ ହଳଦୀ, ଦେଖିବାକୁ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଆପଣଙ୍କୁ ହବ, ଯଦି ହବ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିକି ଆସିବି। ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଟର୍ମେରିକ, ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ ଅଛି, ଟର୍ମେରିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ଏଇଟା। ରେଡ୍ କ୍ୟାବେଜ୍ ଲିଫ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ମିଥାଇଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା, କ'ଣ ସରି ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଆଉ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥିବେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ମନେ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପକେଇ ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ରେସନ ପାଇପ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଟାଇଟ୍ରେସନ ପାଇପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କୋଉ, ସେଠି ମିଥାଇଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ପକଉଥିଲେ ନା, ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ପଚାରିଲା ଅନ୍ରିଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପାରେଟ୍, ସେଟା ତ ପିଏଚ୍ ପେପର ହେଇଯିବ, କାରଣ ପିଏଚ୍ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡିକ୍ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଜଣାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ସରି ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାସ୍ ପାସ୍ ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବେହିଚକ ପଚାରନ୍ତୁ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଥିରେ ରହନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଗେଟ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।